सर, बाढ़ के उमानाथ में कुछ ही दिनों पहले अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन फिर वहाँ अतिक्रमण हो गया। देखिए, उमानाथ में अतिक्रमण ड्राइव चली थी हटाने वाली, उसमें काफ़ी हद तक हम लोगों ने हटा दिया था, लेकिन शाम हो गई थी तो फिर अतिक्रमण ड्राइव रोकनी पड़ी। और ये हुआ कि नेक्स्ट वर्किंग डे जब भी फुर्सत होगी वीडियो साहब को, सीओ साहब को, हम लोग फिर से करेंगे। लेकिन अभी सभी लोग जाति आधारित जनगणना में व्यस्त हैं और सारे जो टीम है ऑफिस की उसी में लगी पड़ी है। तो जैसे ही ये जाति आधारित जनगणना समाप्त होती है, हम लोग फिर से उमानाथ और जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण चालू हो गया दोबारा से या पहले से, उसको हम लोग हटा लेंगे। तो क्या सर, स्टेशन रोड या SVR चौक या कचहरी में पुनः अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, सब जगहों, बस यही जाति आधारित जनगणना जैसे समाप्त हो जाएगी हम लोग इसी कार में लगेंगे और जल्दी सारा अतिक्रमण हट जाएगा। एक और बात सामने आ रही है सर कि कहीं पर भी किसी बोर्ड का शिलान्यास होता है सर, तो उपनाम नहीं देखा जाता है सर, चाहे वो हमारे वार्ड जो हैं सर भोला शर्मा जी उन्हीं के बारे में, परंतु चेयरमैन में ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, ये सब तो मेरे को नहीं पता, ये तो ऑलरेडी इन्हीं लोग के द्वारा बनाया गया। इसके लिए स्थायी समिति या फिर बोर्ड बैठक में सवाल उठाया जाएगा, तो जैसा डिसीजन होगा वैसा लिया जाएगा। क्योंकि विधायक भी थे सर मोकामा में, तो वहाँ आनंद सिंह उर्फ छोटे सरकार ने होता, या नदामा में सर उर्फ लल्लू मुखिया नहीं, या अपने वार्ड में भोला शर्मा नहीं, परंतु सिर्फ चेयरमैन में ऐसा हो रहा है सर। ये स्थायी समिति या फिर बोर्ड का मामला है, इससे मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं लोग की शिलान्यास होता है, उन्हीं के वही लोग करते ही हैं, तो इसको बोर्ड या बैठक में उठाकर इसी मुद्दे को देखा जा सकता है। ओके, थैंक यू।